फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे एक मैथ का इंटरेस्टिंग पजल, बचत और खर्च का। जैसे खर्च टोटल 100 रुपया हो रहा है, तो बचत 102, मतलब 2 एक्स्ट्रा कैसे। जैसे मेरे पास 100 रुपये थे, तो उसमें से 2 एक्स्ट्रा कैसे हो रहा है, ये देखते हैं। इसको कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है, कैसे ये हिसाब सही आता है, पूरा समझेंगे। एक तरफ है खर्च, देखिए मेरे पास 100 रुपये हैं, इसमें से खर्च और ये है बचत। मान लीजिए पहले हमने 40 रुपये खर्च किए, 100 में से 40 खर्च किए, तो कितने बचे, 60 बचेंगे। अब ये 60 बचे हैं, इसमें से हमने 30 खर्च कर दिए, तो 60 में से 30 खर्च कर दिए, अब कितने बचे, 30 बचेंगे, क्योंकि 60 रुपये थे जिसमें से 30 खर्च कर दिए, तो 30 बचे। इसके बाद अब 30 में से 18 खर्च कर दिए हमने, तो कितने बचे, 30 में से 18 माइनस करेंगे, 12 बचे। फिर ये 12 के पूरे 12 रुपये हमने खर्च कर दिए, तो कितने बचे मेरे पास, 0 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 8 2 10 का 0 और 4 3 7 1 8 9 1 10, यानी कि ये हो गया 100 रुपये, जो मेरे पास टोटल 100 रुपये थे और खर्च कितने कर दिए, 100। इसको जोड़ते हैं अब, 2 देखिए 2 6 3 9 1 10, ये हो रहा है 102। मेरे पास रुपये कितने थे, 100, और हमने खर्च कितने किए, पूरे 100, लेकिन ये बचत कितना दिखा रहा है, 102। तो ये 2 रुपया एक्स्ट्रा कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखिए ये तो है मेरे पास रुपये, कुल जमा, कुल पैसे, कुल रुपये कितने थे, 100, और हमने खर्च कितने कर दिए, 100। ये तो हिसाब सही है, दोनों का बराबर आ रहा, लेकिन ये बचत का 102 रुपये कैसे हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा कैसे हो जाता है। तो कुछ नहीं करना होता, इसका नियम क्या होता है, खर्च और बचत के बीच, खर्च और बचत के बीच कभी कोई रिलेशन नहीं होता है, खर्च और बचत के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, और खर्च और कुल जो मेरे पास रुपए थे वो हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि जितने रुपए मेरे पास थे उतने ही तो खर्च करेंगे। तो ये जितने रुपए टोटल होते हैं और खर्च हमेशा बराबर आएगा, लेकिन बचत का इससे कोई रिलेशन नहीं होता। तो खर्च और बचत के बीच कोई रिलेशन नहीं होता, इस वजह से कभी भी बचत और खर्च या बचत और टोटल रुपये बराबर नहीं हो सकते, खर्च बराबर कुल रुपये हो सकते हैं। इसी प्रकार का एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास टोटल 90 रुपये हैं, 90 रुपये हैं टोटल मेरे पास, खर्च और बचत का हिसाब देखना है, ये हो गया खर्च, ये है बचत। तो 90 में से हमने पहले 50 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। फिर ये 40 में से हमने 5 रुपये खर्च कर दिए, तब कितने बचेंगे, 40 में से 5 माइनस करेंगे तो 35 रुपये बचे। अब इस 35 में से हमने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो 35 में से 10 खर्च कर देंगे तो कितने बचेंगे, 25 रुपये बचेंगे। अब इस 25 में से हमने 15 रुपये खर्च कर दिए, तो 25 में से 15 खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे, 10 रुपये बचे। अभी 10 रुपये हम टोटल 10 रुपये खर्च कर दिए, और यहाँ अब 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 थे पूरे खर्च कर दिए, तो कुछ नहीं बचा। अब इनको जोड़ते हैं दोनों को, 5 5 10 का 0, 5 1 6 1 7 1 8 और 1 9, ये तो हो गया 90 रुपये। टोटल रुपये कितने थे, 90, और खर्च कितना आ रहा, 90। देखिए ये बराबर है, खर्च और टोटल रुपये बराबर, खर्च और टोटल रुपये बराबर हो गए, लेकिन बचत अभी जोड़े, इसको देखिए कितना आएगा, 5 5 10 का 0, 4 3 7 2 9 1 10 और 1 11, ये आ रहा है 110। तो ये यहाँ तो 20 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, ये कैसे बढ़ गया। तो इसका नियम यही होता है कि खर्च और बचत के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, हाँ कुल रुपये जो टोटल रुपये होते हैं और खर्च वो हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि जितने रुपये मेरे पास होंगे उतने ही तो हम खर्च करेंगे। टोटल अगर खर्च कर दिए तो कुल रुपये जितने होते हैं खर्च का रेशियो हमेशा बराबर आएगा, लेकिन कभी भी बचत का और कुल रुपये का, बचत का खर्च से कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। इसके बाद आप लोग इसके आसानी से इस टाइप का कोई भी हो पजल उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।